ये वाली प्याली सी कन्या। मल्टीटास्किंग चल रही है मेरी। As long as it's हेलो हाय सभी छोटे भाई बहनों को और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। सो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस आज का व्लॉग 9:15 बजे स्टार्ट हो रहा है और आज है रामनवमी। आप सभी को रामनवमी की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप सभी को तो पता है हर साल हम भी कन्या पूजन करते हुए आए हैं और मम्मा यहाँ नहीं है लेकिन मैं सारे काम मैं खुद करने वाली हूँ। तो अभी हमारी मैयाओं के लिए भोग बनाना है, पूजा करनी है और हमें मैंने आज बहुत ज़्यादा लेट कर दिया सब कुछ। फटाफट नहा कर आती हूँ, जब काम करूँगी फिर मिलती हूँ। मैं अभी किचन पे आई हूँ, पूजा पाठ कर ली है और पता है मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया था तो मम्मी मेरे को हड़का रही, तूने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मैंने मम्मी को फ़ोन इसलिए किया था पूछने के लिए कि कैसे क्या करना है घर पे, और ऊपर से मैंने डांट खा दिया है। अब तो फटाफट करते हैं। चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं मैंने और अब बनाती हूँ मैं पहले सूजी का हलवा, फिर पूरी के लिए आटा गूंथूंगी। और क्या बचा है? हाँ मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। चने बना रही हूँ, पूरी बना रही हूँ, पोहे बनाऊंगी और हलवा बना रही हूँ। काम पे लगती हूँ फटाफट, फिर गप्पे फिर मारते रहूँगी आपसे। रख दिया है, कढ़ाई रखती है। मेरे काम ना आजकल टाइम पर कभी नहीं हो रहे हैं, ऐसे हो जा रहा है यार गाइस। मल्टीटास्किंग चल रही है मेरी। एक तरफ सूजी दे दो, एक तरफ आटा दे दो। कन्याएं नहीं मिल रही है यार, मतलब बाजार पे इतनी सुनसानी हो रही है, आपको क्या बताऊं। और फिर ताई जी भी कह रही थी हम लोग पहले राम मंदिर हो आते हैं फिर कन्याओं को फिर पूछ लेंगे। तो राम मंदिर हम लोग पहले जा रहे हैं, पर मैंने पूजा बना दी थी तो जो बची थी उनको सेक रही हूँ, तल रही हूँ और अभी मंदिर के लिए सामान भी रखना है। सब जल्दीबाजी में काम हो रहा है, ऊपर से कन्याएं नहीं मिल रही हैं। दोस्तों रुको। सो दोस्तों अभी ताई जी का फोन आया है। कन्याएं जो है बगल में ताई जी के वहाँ है, तो सली ताई जी के वहीं तो है शायद से हो जाएगी। हाँ सली ताई जी के वहाँ जाने वाली है, वो अभी कहीं और गई है, वहाँ से सीधे उनको यहाँ को लेकर आना है। और साथ में हमारा अमू भी आ गया है, मंदिर पे जाएंगे। गाइस मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। पहले कन्याएं नहीं मिली, ऊपर से कन्याएं मिल गई थी, फिर 3 बच्चों को लेने अलग गई थी। एक अंकल का अलग ही हो रहा था, बच्चों को खींच रहा है ऐसे। कन्या ले जाने का क्या फायदा बताओ तो, बस दोनों हाथ बच्चों के हाथ मरोड़ दिए। कोई बात हुई, खैर वो तो आ गए हैं, फिर ऊपर ताई जी के वहाँ गए हैं। तब तक मैं इनकी प्लेट्स लगा रही हूँ। हो रामा थक गई मैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो क्या कर रही हूँ। फिर कहाँ को बैठोगे? ऊपर? फिर मैं आपके पैर कैसे धोऊंगी? फिर थोड़ी देर में बैठ जाऊंगी, पर तब तक नीचे बैठ जाओ, ठीक है? ये बैठेंगे नहीं, वो देखो हेलो कर दो, हेलो कर दो, इधर हेलो कर दो, हाय ये वाली प्याली सी कन्या, ठीक है? सबको हाय बोल दो अच्छे से, हेलो दोस्तों कहते हैं। अच्छा सारी कन्या इधर आ जाओ पहले, चलो हेलो तो बोल दो सबको, हेलो बोल दो, वो ब्लॉग हेलो बोल दो, वेरी गुड। अब चलो हम बैठते हैं, चलो आप बैठ जाओ, चलो ये खेल रही है, बोले मेरी गुन्नी चल लेकर बैठ जाओ, चल चल अभी करेंगे, ठीक है? चल लेकर बैठ, जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। अरे ऐसे ही इसके बाद ठंडा ठंडा और ठंडा ठंडा अभी उतार दी। दुर्गारा गोमने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे आज ठाकेर पीठे पड़ल काटी पूजो को जमजमाटी नूतन साजे सेजेछे आकाश दुर्गारा गोमने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे सजालो बोरंदाना आकाशे मेघेर बेला चलछे धनुटी नाच आशोलार घंटा बाजे पेलो मानसी साजे आकाशे पूजोर लगलो दोला काशेर बोने हिमेल शरत टाने। कन्या पूजन अच्छे से हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर मेरी ताईजियों के साथ, हमारी भाभी के साथ। भाभी हाय तो बोलो, भाभी बहुत कमाती है हमारे साथ। अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर और घर जाके मैं भी खाना खाऊंगी, भूख लग गई, मैं बहुत थकी सुबह से। हाँ मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है और यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं शायद से। जी सच्ची बताऊं शक्ति रूपे नमस्ते नमस्ते। मेरे प्यारे मित्रों, अब टाइम है खुद के लिए खाना बनाने के लिए। खुद के लिए खाना बनाने के लिए पापा के लिए मैं पूरी बना कर चली गई थी, अपने लिए नहीं बनाया था। फिर मैंने कहा ठंडी हो जाएंगी, क्या ठंडा ठंडा खाऊंगी, अपने लिए भी गरम बनाऊंगी। सो अभी मैं किचन पे आई हूँ, पूरी बनाती हूँ, चने गरम करती हूँ और पेट पूजा करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, भगवान जी के भी दर्शन के लिए बहुत भीड़ हो रही थी। वीडियो बनाने जैसा भी नहीं हो रहा था, प्रोग्राम चल रहे थे वहाँ, लेकिन फिर हम लोग रुके ही नहीं क्योंकि किसी ने भी खाना नहीं खाया था। मैं रुक भी जाती लेकिन कोई रुका ही नहीं थी, मैं क्या रुकती अकेले। फिर मेरे को भी थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, फिर मैं तो घर जाती हूँ, खाना खाती हूँ। सो अपने लिए अब पूरी बनाती हूँ, ये तो क्या ही दिखाऊँ आपको, वही जो काम पहले किया थोड़ा सा और कर रही हूँ। अपनी प्लेट दिखाऊँगी मैं खाने की, रुकिए तब तक के लिए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तू ही है मैं ही मुस्कुराने की वजह। खाना मेरा बनकर रेडी हो गया है, ये है हमारा गर्मा गर्म खाना। सो अब फटाफट से खाना खाते हैं, बहुत हो गई बातें, अब खाना खाया जाए। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं आई थी छत पे, सो गई थी मैं थोड़ा देर, फिर उठी, मैंने काम पूरा नहीं किया था, बर्तन वगैरह धोए, अभी फिर छत में आकर मैं घूम रही थी। यार गाइस आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, लेकिन ये रहा है कि मम्मा की अनुपस्थिति में उनकी प्रिय पुत्री ने सारे काम अच्छे से निपटाए। अब मम्मा भी जल्दी आने वाली हैं, सो आप लोग मम्मा को जल्द ही कुछ टाइम बाद ब्लॉग पे भी देखोगे। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ पता आपको। सो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अच्छे से ध्यान रखिए अपना और मम्मा से जल्दी मिलाऊँगी आपको, बाय।